IVN7 की मुहिम नई दिल्ली बनाओ में आज दिल्ली के द्वारका इलाके हम पहुंचे। हमने देखा यहां पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो जितना पैसा राशन के लिए खर्च करते हैं उतना ही पैसा हर महीने पानी के लिए खर्च करना पड़ता है। आज हम अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैसे सरकार लोगों को जल बोर्ड का पानी देने में नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली के द्वारका में पानी को लेकर जंग महिलाओं की दिनचर्या में शामिल हो गई है। द्वारका सेक्टर 8 की इस गली में जल बोर्ड का टैंकर हफ्ते भर बाद पहुंचा तो महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा पानी भरने की होड़ लग गई। कोई छत पर रखी टंकी भरने में बिजी है तो कोई घर के छोटे छोटे बर्तनों में पानी जमा करने में जुटा है। लोगों को पता है कि ये टैंकर अब एक हफ्ते बाद आएगा, इसलिए जितना पानी स्टोर कर सको उतना पानी खरीदने पर कम से कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यही वजह है कि जब पानी का टैंकर आता है तो लोगों में पानी भरने को लेकर अक्सर झगड़े भी होते हैं। पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, दुनिया प्यासी मरण लग रही है। यू भी नहीं, एक जो फिर 8 दिन में आ रहा टैंकर तो क्या काम चला है। देखे एक टैंकर से तो सब प्यासे मर रहे हैं, बच्चे लड़े आपस में भी लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, मियां बीवियों में लगड़ा हो, पड़ोसियों में दुश्मनी बन रही है। भैया पानी के ऊपर तो सबसे दुश्मनी हो रही है। पानी की एक एक बूंद इनके लिए कितनी कीमती है, इसका एक नमूना देखिए कि किस तरह से जब पानी की टंकी भर गई तो टंकी के बाहर से निकल रहे पानी को दूसरे बर्तन में जमा किया जा रहा है। ये पीने के काम तो नहीं आएगा लेकिन किसी और काम के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पानी के लिए अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। निजी टैंकरों के लिए लोगों को लगभग 3 से 4 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 2-3 हजार रुपए तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम पानी के लिए। अब जो आदमी कमाई 10-12 हजार 15 हजार रहा है तो 3 हजार रुपए का एक एक्स्ट्रा झटका उसको लग जाता है, ये कैसे मैनेज करेगा मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा है जी। यही हाल द्वारका के महंगे फ्लैटों का भी है। यही वजह है कि यहाँ प्राइवेट टैंकरों का धंधा खूब फल फूल रहा है, इससे लोगों को मोटी कमाई हो रही है। द्वारका के किसी भी कोने में चले जाइए, जल बोर्ड के टैंकर से ज्यादा प्राइवेट टैंकर दौड़ते मिल जाएंगे। पानी की इस मुसीबत के लिए यहां से बीजेपी विधायक सत्य प्रकाश राणा दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं समझता हूं पूरा भेदभावपूर्ण तरीके से ये शासन चलाने की प्रक्रिया है मुख्यमंत्री की। हम बीजेपी के MLA हैं तो जान पूछ के हमें पानी नहीं देगा। माना कि मुख्यमंत्री जल बोर्ड की चेयरपर्सन है लेकिन ये भी तो सच है कि एरिया के विधायक तो सत्य प्रकाश राणा जी आप हैं। आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि लोगों को आप पानी दें, क्योंकि वोट देकर लोगों ने आपको जिताया है न कि मुख्यमंत्री को। द्वारका में फ्लैट की कीमत करोड़ों में है लेकिन विडंबना यह है कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं है और आने वाले दिनों में कहीं से कोई योजना नजर नहीं आती कि जिससे कि यहाँ की पीने की पानी की किल्लत दूर हो सके। द्वारका के बाद हम दिल्ली के दूसरे इलाकों की हकीकत से रूबरू कराएंगे क्योंकि IVN7 की मुहिम नई दिल्ली बनाओ जारी है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ रवि सिंह, द्वारका, दिल्ली, IVN7।